महाराज ये है अपना अटल सागर, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बना गया है, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो यहाँ पर बहुत बड़ा बांध बना हुआ है एक अटल सागर, इसी का दूसरा नाम है मणिखेड़ा। चलो आपको दिखाते हैं, ये इसकी पूरी विशेषता है, मणिखेड़ा डैम, अटल सागर मणिखेड़ा डैम, क्या क्या इसमें फैसिलिटी दी रखी है। और ये हमारा डैम है, और यहाँ से क्या है बाढ़ नियंत्रण, जो कभी भी बांध भर जाता है ना तो बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, ये देखो गेट, ये कितने गेट है, काफ़ी गेट है, 11 गेट है बताए जा रहे हैं। और सभी से भी गेट बंद है, क्या थोड़ा पानी अंदर से रिस रहा है इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है कि पानी आ रहा है, बाकी सारे गेट बंद है। और अभी क्या है बांध पूरी तरह से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ये कैमरे की निगरानी से आ नहीं पा रहा है, बहुत दूर दूर तक बांध भरा हुआ है, उससे गेट बंद है। और देखो आपको दिखाते हैं, काफ़ी लोग तो नदी में मछली पकड़ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, उनसे जूम कर दिखाता हूँ। चलो ठीक है, चलो ये मणिखेड़ा डैम है, चलो ठीक। और ये देखो यहाँ का एकदम पिकनिक घूमने के मूड में, बड़ी एकदम स्थान है, और आप लोग आ सकते हो यहाँ पर, ये ग्वालियर सिपरी में पड़ता है। ये यहाँ का पार्किंग है बढ़िया, चलो आपको घुमाते हैं पार्किंग, एकदम बहुत बढ़िया पार्किंग है। और यहाँ से देखो सिंध नदी जो अपने सीओर से निकलती है और एक यमुना में जाके मिलती है, इसका विस्तार देखो कितनी लंबा चौड़ा विस्तार है। यहाँ पे 2021 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जिससे काफ़ी लोग गांव बह गए थे। और महाराज जी क्या है, कौन सा डैम है, मणिखेड़ा। यहाँ पे पहले 2021 में बहुत वो आई थी, त्रिशादी आई थी, इसे गेट पूरे अभी बंद है पूरी तरह से। और हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए, एक पास में स्थान पड़ता है झरना, वहाँ पर गए थे, तो हमारे साथ में ग्राम छोटी एक्वे की जो भगत जी हैं वो भी आए हैं, और उनके साथ हम आए हैं, कुछ लोग भैया हमारे सुनाई के हैं, और जो हमारे भगत जी हैं ग्राम छोटी एक्वे के। चलो 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 चलते हैं, और मैं भी इनके साथ में आया हूँ घूमने के लिए। चलो चलते हैं, बाय।